आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। चिकन फ्राई बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, उसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 इंच अदरक, 10 कली लहसुन की और 2 हरी मिर्च। अब इन सब का हम बनाएंगे पेस्ट, और ये सब डालने के बाद हम अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही, और अब इन सब का हम बनाएंगे एक पेस्ट। पेस्ट बनकर तैयार हो गया, अब इसे हम चिकन में डालेंगे। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक, 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 नींबू का रस। ये डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसे में सब कुछ मिलाने के बाद इसे 1 से 2 घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ढककर। अब इसे मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। 6 से 8 मिनट तक लाइट फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब ये चिकन फ्राई बनकर तैयार है, अब इसे खाने के लिए परोसें।